आजाद का साल से लेकर 1947 से लेकर 370 हटाने का साल 2019 तक जम्मू कश्मीर जनता ने अलग अलग अत्याचार, अलग अलग अन्याय, अलग अलग अपमान, अधिकारों से वंचित सहन करना पड़ा। आजादी से लेकर लगभग 40,000 से ज्यादा लोग, लगभग 46,000 सिक्योरिटी फोर्सेस हो, जम्मू कश्मीर के जनता हो, आम नागरिक हो, सिर्फ जम्मू कश्मीर का ही बात कर रहा हूं मैं, मोर देन 40,000 लोग शहीद होना पड़ा इस पाकिस्तान के कारण, कांग्रेस पार्टी का गलत नीति के कारण, नेहरू का गलत रीति के कारण, श्रीमती इंदिरा गांधी का गलत रीति के कारण बलिदान देना पड़ा। आजाद से लेकर जम्मू कश्मीर के स्टेट में परिवारवाद पार्टियों का राजनीति सत्ता ही ज्यादा चला है, आप सब लोगों को मालूम है। वो कांग्रेस पार्टी हो, अब्दुल्ला परिवारवाद हो, मुफ्ती के समय पर वो हो, ये यही होते रहे। हम पूरा स्पष्ट नीति से आज नहीं, जब हमारा पार्टी स्थापना हुआ है जम्मू कश्मीर के लिए, भारतीय जनता फाउंडेशन हुआ है जम्मू कश्मीर बचाने के लिए, जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 हटाने के लिए हमारा पार्टी का फाउंडेशन हुआ है। हमारा पार्टी का पहला अध्यक्ष डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, पहला आंदोलन था आर्टिकल 370 के खिलाफ, पहला जनसंघ का आंदोलन था आर्टिकल 37 के खिलाफ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहला बलिदान हुआ है, पहला बलिदान हुआ है 370 के खिलाफ। कोई ऑल इंडिया पार्टी का प्रेसिडेंट कोई बलिदान हुआ है किसी विषय पर? ये भारत आजाद के बाद पहले बलिदान था भारतीय जनसंघ अध्यक्ष का, पहला बलिदान था आर्टिकल 370 के खिलाफ, पहला बलिदान था भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, जनसंघ का अध्यक्ष, इसी जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए। तो जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं जी किशन रेड्डी, और जम्मू में इस वक्त मौजूद हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की एक तरह से ये कोशिश कही जा सकती है। जिस तरह से भाजपा ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में और जम्मू में जो काम किए हैं उन्हें मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुँचाने की कोशिश चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं।